Hi, this is Bhavesh and in this video we are going to discuss the syllabus of English literature. तो अगर आप बिहार से belong करते हो, आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन लिया है, चाहे वो LNMU हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, तो आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से belong करते हो और अगर आप बिहार से belong करते हो और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है और आपने अभी अभी 2024 टू 28 सेशन में आपने एडमिशन लिया है या लेने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको समझाऊंगा इंग्लिश लिटरेचर में, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे डेमो क्लासेज को देख सकते हो इस नंबर का इस्तेमाल करके। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट है उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंडियन क्लासिकल्स लिटरेचर पढ़ने हैं। इंडियन क्लासिकल्स लिटरेचर यानी कि भारत में प्राचीन समय में जो कुछ साहित्यिक रचनाएं लिखी गई हैं, चाहे वो कालिदास का हो, चाहे वो व्यास का हो, चाहे वो शूद्रक का हो, तो ये सारी जो रचनाएँ हैं जो संस्कृत में ओरिजिनली लिखी गई थी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश लिटरेचर में आपको कहीं पे भी ग्रामर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको लिटरेचर पढ़ने हैं, जिसमें कि आप ड्रामा पढ़ोगे, आप नॉवेल्स पढ़ोगे, आप पोएट्री पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये एक ड्रामा है जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है, लगभग 100 पेज का ये ड्रामा है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो किताब खरीदने की ज़रूरत है वो है द लूम ऑफ टाइम, ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा और इन सारे बुक्स का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको ख़रीद सकते हो। तो ये जो ड्रामा है इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और वो एक बेहतर तरीका होगा पढ़ने का। दूसरा जो हमारा यूनिट है उसमें आपको महाभारत पढ़ने हैं। अब ऐसा नहीं है कि महाभारत पूरा पढ़ना है, नहीं, आपको महाभारत के 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला द डाइसिंग, जिसमें कि पासा का वो गेम होता है युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में, द सीक्वल ऑफ डाइसिंग, वो पासा का गेम दोबारा से खेला जाता है, ठीक है। और फिर हमारा तीसरा यूनिट है, तीसरा चैप्टर है द बुक ऑफ असेंबली। जब आप ये ट्रांसलेशन बुक खरीदोगे, महाभारत का ट्रांसलेशन जो कि JAB Van Buitenen के द्वारा किया गया है, जब ये आप बुक खरीदोगे तो इसमें बहुत सारे आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, तो उसमें से आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, पहला द डाइसिंग, दूसरा द सीक्वल ऑफ डाइसिंग और तीसरा द बुक ऑफ असेंबली हॉल। ओके, फिर हमारा इसी में एक और चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, थेरी गाथा, पोएम्स इंक्लूडेड इन वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया। देखो, थेरी गाथा का मतलब क्या है कि कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करती थी, कुछ बुद्धिस्ट महिलाएं हुआ करती थी, संत हुआ करती थी, उन्होंने कुछ अपनी कविताएं लिखी हैं। तो बुद्धिस्ट महिलाओं की जो कविता है, लगभग 5 से 6 कविता आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। और इसके लिए अगर आप किताब खरीदना चाहते हो तो वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया बाय थारू एंड ललिता, ये जो एडिट किया गया है ये बुक थारू एंड ललिता के द्वारा एडिट किया गया है। हालांकि ये बस 4 से 5 छोटी से छोटी कविता होती है, लगभग 10 लाइन की एक कविता, तो मुश्किल से 1 से 2 पेज ये पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा जब हम लोग तीसरे यूनिट में देखते हैं तो शूद्रक जो कि एक नाटककार हैं, उनकी एक नाटक है मिर्च कटिका, जिसको द क्ले कार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ट्रांसलेट किया गया है MM रामचंद्र KL के द्वारा और ये ट्रांसलेशन बुक भी आप लिंक को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड नहीं एक्चुअली ख़रीद सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मैं आपको सारा बुक्स का PDF मैं शेयर करूँगा और उसके अलावा लाइन बाय लाइन हम लोग उसको पढ़ेंगे और नोट्स वगैरह भी देखेंगे। और अगर आप स्पोकन वगैरह करना चाहते हो तो मैं उसमें भी आपका हेल्प करूँगा। ओके, फिर हमारा जो फोर्थ यूनिट है इसमें रामायण आपको पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि रामायण आपको पूरा पढ़ना है, बल्कि रामायण का Canto 1 से लेके Canto 19 तक, यानी कि Canto 1 से लेके Canto 1 से लेके Canto 19 तक, 19 कैंटो लगभग आपको इसमें पढ़ने हैं। और ये जो रामायण होनी चाहिए ये वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखी गई रामायण है वो रामायण आपको पढ़ने हैं। और इसका सबसे पहला चैप्टर बालकांड का Canto 1 से लेके 19 तक आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये जो ट्रांसलेशन का बुक होगा ये Ralph T.H. Griffith का होना चाहिए। देखो, रामायण जो है बहुत सारे ट्रांसलेटर्स के द्वारा ट्रांसलेट की गई है, लेकिन आपके सिलेबस में आपको कौन सा पढ़ना है,
राल्फ टी एच ग्रिफिथ का ट्रांसलेशन बुक आपको पढ़ना है, और उसमें पहला चैप्टर बालकांड का कैंटो 1 से लेके कैंटो 19 तक आपको पढ़ने हैं, जिसमें ये सारी बातें बतलाई गई हैं कि रामायण आता कैसे है, रामायण लिखी कैसे जाती है, उसके बाद भगवान श्री राम का जन्म कैसे होता है, और फिर वो राजकुमार किस तरीके से बनते हैं, लगभग यहाँ तक ये कहानी जाती है इसमें। ठीक है, तो ये चार यूनिट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि आपका मेजर पेपर होगा। इसके अलावा कुछ बच्चों का हमारा ये माइनर कोर्स है, अगर आपका इंग्लिश माइनर में है तो आपका सिलेबस ये होगा, जिसमें कि कदम्बड़ी आपको पढ़ना पड़ेगा और महाभारत बाय सी राजगोपालाचारी के द्वारा आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आपका माइनर या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप सेम माइनर को अगर आप पढ़ लेते हो तो यही आपका मल्टी डिसिप्लिनरी भी होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है और आप उसका सिलेबस लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसके थ्रू जाके आपको पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा कि सारे सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस का लिस्ट मिल जाएगा, आप किसी पे भी क्लिक करके आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को एक्सेस कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और क्लासेस के लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर ले रहे हो तो हो सकता है कि हमारे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।